नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। स्पोर्ट मीट ओलंपिया 2023 का शुभारंभ। खेलों में हार का महत्व जीत से कहीं कम नहीं होता। हार से ही जीत का सबक लेकर जीत की इबारत लिखी जाती है। स्पर्धा जीतने जुनून सवार होता है, इतिहास बदलने का अवसर मिलता है। ये बातें लॉयंस क्लब सेंधवा के अध्यक्ष श्याम तायल ने कही। अवसर था लॉयंस कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक स्पोर्ट मीट ओलंपियाड 2023 के शुभारंभ का। लॉयंस कॉन्वेंट स्कूल में दो दिवसीय स्पोर्ट मीट का भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ, आकर्षक परेड, डेमलेस पीटी तथा जोश से भरे नृत्य गीतों के साथ हुआ। क्लब अध्यक्ष श्याम तायल ने खेलों के प्रतीक मशाल को प्रज्वलित कर स्पोर्ट्स कैप्टन समुद्दीन शेख और दृष्टि पटेल को सौंप कर स्पोर्ट्स मीट लॉयंस ओलंपिया 2023 खेलों के औपचारिक शुभारंभ की परंपरा निभाई और शांति के प्रतीक कबूतर एवं रंग बिरंगे बलून आकाश में उड़ाए गए। यह एक अद्भुत नजारा था। स्पोर्ट्स मीट के पहले दिन व्यक्तिगत खेलों में बॉक्सिंग, फ्रॉग रेस, प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर रेस, लेमन रेस, बलून रेस के साथ साथ इंटर हाउस मुकाबले भी हुए, जिनमें विद्यार्थियों ने अपने हाउस के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। टीम मुकाबले की रस्सा कसी स्पर्धा में सीनियर गर्ल्स ऑप्टिमल हाउस प्रथम, नोबल हाउस द्वितीय और लॉयस हाउस तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर बालक वर्ग में नोबल हाउस प्रथम, लॉयल हाउस द्वितीय और ऑप्टिमल हाउस तृतीय रहे। जूनियर वर्ग के बालक वर्ग में आइडियल हाउस प्रथम, नोबल हाउस द्वितीय, ऑप्टिमल हाउस तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में लॉयंस हाउस प्रथम, ऑप्टिमल हाउस द्वितीय और आइडियल हाउस तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के नीलेश मंगल ने भी संबोधित किया। स्कूल में प्राचार्य प्रियांश नाय ने विद्यार्थियों को खेल भावना की शपथ दिलाते हुए खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलों का आनंद लेने की अपील की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें सीआईडी न्यूज़।